गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत। मैं सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, और हम लोग बीपीएससी को फोकस करके वर्ल्ड ज्योग्राफी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूरोप के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और यूरोप में हमने माउंटेन्स के विषय में देखा था, रिवर्स देखे थे। यूरोप में कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख रूप से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। आज हम लोग यूरोप के क्लाइमेट और वेजिटेशन की चर्चा करेंगे, और एग्रीकल्चर पर कुछ चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो यूरोप ध्यान दीजिए। पहले भी हम लोगों ने ये देखा था कि इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप। कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला, प्रायद्वीपों के महाद्वीप के रूप में इसे जाना जाता है। बिकॉज कोस्ट लाइन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज टू मच डिसेक्टेड, क्योंकि इस महाद्वीप की जो तट रेखा है ये बहुत अधिक कटी फटी पाई जाती है। हम लोगों ने देखा था कॉन्टिनेंट में बहुत सारे माउंटेन्स के विषय में पढ़ा। आपने देखा था कि यहाँ पर आल्प्स माउंटेन है, यूराल माउंटेन पाए जाते हैं, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज माउंटेन है, इटली में एपिनाइन माउंटेन्स पाए जाते हैं, और इसी प्रकार के कई पर्वतों के विषय में हमने पिछली क्लास में आपसे चर्चा की। जब नदियों के विषय में पढ़ रहे थे तो वोल्गा के विषय में आपने पढ़ा था कि इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम वल्दाई हिल ऑफ रशिया एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी, रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। रिवर यूराल के विषय में आपने पढ़ा था, देखा था कि रिवर इज डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा निर्धारित करती है। इसके विषय में आपने देखा था। जब हम डेन्यूब के विषय में पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि रिवर इज फ्लोइंग थ्रू मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप के कई देशों से प्रवाहित होती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी एंड ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी, ये हमने पढ़ा था। फिर आगे जब हम पढ़ रहे थे तो राइन नदी के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और देखा था हमने कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक कॉन्स्टेंस ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टेंस झील से निकलती है, और देखा था कि ड्रेन्स इनटू नॉर्थ सी, नॉर्थ सी उत्तरी सागर में जाकर गिरती है और नीदरलैंड के तट पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ये हमने पढ़ा था। रिवर पो के विषय में देखा था, विच इज कॉल्ड एज इटालियन गंगा, जिसे इटली की गंगा के रूप में हम जानते हैं, आल्प्स माउंटेन से निकलती है, एड्रियाटिक सागर में गिरती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ध्यान दीजिए, फिर हम लोगों ने बाकी के कई नदियों के विषय में ध्यान दिए थे। आज हम लोग यूरोप की क्लाइमेट और वेजिटेशन के विषय में चर्चा करेंगे। जलवायु और वनस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना प्रीलिम्स में पर्याप्त होती है। तो हम लोग देखें वेजिटेशन, गौर कीजिए, आप यहां देखिए, ये देखिए यूरोप, और यूरोप में ये देखिए, यहां से आप देखें अगर यूरोप को, तो यूरोप में गौर कीजिए, दक्षिणी यूरोप को आप देखिए, दक्षिणी यूरोप को आप देखिए, ये देखिए फ्रांस, गौर कीजिए, आप देखिए यहाँ यूरोप का ये जो दक्षिणी भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कई देश आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर देखिए पुर्तगाल है, यहाँ पर स्पेन दिखाई दे रहा है, फ्रांस को आप देख रहे हैं, इटली को आप देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड को देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया को देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये हंगरी का इलाका आपको दिख रहा है, रोमानिया देख रहे हैं, ये सारे देश, ग्रीस को आप देख रहे हैं, ये सारे देश जो भूमध्य सागर के निकटवर्ती देश है, दक्षिणी यूरोप के देश है, इन देशों की जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन मानी जाती है, भूमध्य सागरीय मानी जाती है। ओके, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र यूरोप में कई देशों के अंतर्गत है ये जलवायु, दक्षिणी फ्रांस का इलाका है, स्पेन के देश देखने को मिल रहे हैं, पुर्तगाल आपको दिखाई दे रहे हैं, इटली का क्षेत्र आपको दिख रहा है, स्विट्जरलैंड को आप देख रहे हैं, अल्बानिया को आप देख रहे हैं, रोमानिया को आप देख रहे हैं, बल्गारिया का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीस का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, टर्की को आप देख रहे हैं। तो ये तमाम देश यूरोप के जो दक्षिण की ओर स्थित है, भूमध्य सागर के निकट अवस्थित दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ की क्लाइमेट मानी जाती है मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय जलवायु मानी जाती है। गौर करें आप इन देशों को, अभी आपने देखा क्लाइमेट यहाँ की मेडिटेरेनियन।
संसार में भूमध्य सागरीय जलवायु के जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। गौर कीजिए, आप यहाँ गौर करें, मान लीजिए कि ये लैंड मास है और इस लैंड मास को दो भागों में हमने बांट दिया, एक इसका पूर्वी भाग है और एक इसका पश्चिमी भाग है। और इस लैंड मास की अक्षांशीय दशा हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच की है। तो ये जो पश्चिमी भाग है यहीं की क्लाइमेट होती है भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन। क्या विशेषता इस भूमध्य सागरीय जलवायु की, गौर कीजिए, इस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को अगर आप देखें तो क्लाइमेट इज ह्यूमिड इन विंटर, जाड़े में यहाँ की जलवायु आद्र हो जाती है। जाड़े में ये स्थल मंडल ये वेस्टर्डीज के प्रभाव क्षेत्र में होता है, पछुआ पवन के प्रभाव क्षेत्र में होता है। एंड वेस्टर्डीज विच इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कैरिंग वाटर वेपर्स, ये पछुआ पवन जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जलवाष्प का वहन करती है और जैसे ही पश्चिमी भाग में आती है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और यही इस पश्चिमी भाग में आकर वर्षा के लिए उत्तरदायी बन जाती है। सो मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन 30-45 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। संसार के भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में पाए जा रहे हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जा रहे हैं। दे आर ह्यूमिड इन विंटर ड्यू टू वेस्टर्डी, ये जाड़े में आर्द्र हो जाते हैं, जाड़े में वर्षा होती है क्योंकि जाड़े में यहाँ पछुआ पवन के प्रभाव होते हैं। लेकिन जैसे ही समर होता है गर्मियों में दे आर अफेक्टेड बाई स्टर्लीज, गर्मियों में यही क्षेत्र आप देखेंगे तो यह पूर्वा पवन का क्षेत्र बन जाता है। गौर कीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री से 45 डिग्री का यह क्षेत्र, और गर्मियों में इधर से पूर्वा पवन आती है, स्टर्लीज आती है, तो स्टर्लीज यहां पर तो वर्षा करती है लेकिन यहां आते आते क्या हो जाती है, ड्राई। तो गर्मियों में यही क्षेत्र जो 30 से 45 के बीच का है पश्चिमी भाग है ये शुष्क बन जाता, किस पवन की वजह से, पूर्वा पवन की वजह से, पूर्वा पवन की वजह से। ओके, तो सीधे सीधे हमें ध्यान में रखना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में होंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होंगे, यहाँ शीतकाल में पछुआ पवनों के कारण वर्षा होगी और ग्रीष्म काल यहाँ का कैसा होगा, तो शुष्क बन जाएगा। यूरोप के यही दक्षिणवर्ती देश स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया, रोमानिया, ग्रीस, टर्की, ये सारे देश जो दक्षिण में हमें दिखाई दिए भूमध्य सागर से ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ की क्लाइमेट भी इसी प्रकार की भूमध्य सागरीय है जहाँ पर विंटर रेनफॉल हो रही है, जाड़े में वर्षा हो रही है लेकिन वर्षा बहुत हैवी नहीं होती। ओके, मॉडरेट टाइप ऑफ रेन है। समर भी यहाँ का शुष्क है, ड्राई है, लेकिन समर भी बहुत गर्म नहीं है यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और इस कारण से इस क्षेत्र को अगर आप देखें, मेडिटेरेनियन यूरोप को आप देखें, भूमध्य सागरीय यूरोप को आप देखें, गौर कीजिए, ये देखिए ये आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है। अफ्रीका से नॉर्थ अगर आप देखें तो यही मेडिटेरेनियन यूरोप का हिस्सा है, ये क्षेत्र पूरा जो यूरोप का आपको दिख रहा है यही भूमध्य सागरीय जलवायु का ये क्षेत्र माना जाता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का ये एरिया माना जाता है। जाड़े में वर्षा है, गर्मी यहाँ की शुष्क पाई जा रही है, ये इटली का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है और तमाम देश यहाँ पर यूरोप के दिख रहे हैं। क्लाइमेट टेम्परेट होने के कारण, शीतोष्ण होने के कारण, दिस इज एन एरिया ऑफ टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन, यह शीतोष्ण प्रकार की वनस्पतियों का क्षेत्र, ठीक है। समर यहाँ की ड्राई है, इसलिए यहाँ की जो वनस्पतियां हैं गर्मी की शुष्कता से बचाव के लिए अपनी जड़ें क्या कर लेती हैं, लंबी कर लेती हैं। याद कीजिए जीरोफाइट वेजिटेशंस को, दोज आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड,
जीरोफाइट वनस्पतियां जो संसार के उस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है उनकी जड़ें भी लंबी होती है। और यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में भी कहा जाता है कि यहाँ की जो वनस्पतियां हैं गर्मी की शुष्कता से बचाव के लिए अपनी जड़ें क्या कर लेती है, लंबी कर लेती। इसी क्षेत्र में आप देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में यूरोप में आप कॉर्क को देख सकते हैं, ओक दिखाई देगा यहां पर, और जैतून का वृक्ष। गौर कीजिए, जैतून का वृक्ष ऑलिव वो केवल और केवल भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाने वाली ये वृक्ष है जैतून। सो ऑलिव इज ए सिंबॉलिक ट्री ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड। संसार के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का, जलवायु प्रदेश का ये प्रतीक वृक्ष माना जाता है। कौन सा? जैतून, जैतून का वृक्ष। यूरोप के ये सभी देश वहां पर जैतून के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यूरोप में दक्षिणवर्ती यूरोप जो भूमध्य सागर से नॉर्थ है यहाँ की जलवायु कैसी है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के रूप में हमें दिखाई दे रही है। गौर कर, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट मेडिटेरेनियन है हमने देखा। इससे नॉर्थ, और देखिए नॉर्थ में आप इस एरिया को देखिए, गौर कीजिए, ये यहाँ की क्लाइमेट के विषय में कहा जाता है कि ये वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के देशों को अगर आप देखें, गौर कीजिए, यूरोपीय जलवायु के देशों को अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए नीदरलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, नीदरलैंड दिखाई दे रहे हैं, बेल्जियम दिख रहा है, ये उत्तरी फ्रांस का क्षेत्र है, यहाँ आप जर्मनी को देखते हैं, यहाँ आप पोलैंड को देखते हैं, ये बाकी के यूरोपीय देशों को आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ डेनमार्क आपको दिखाई दे रहा है। इन सारे देशों की क्लाइमेट यूरोप में ये वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट मानी जाती है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु मानी जाती है। और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की क्षेत्र की ये विशेषता है कि वहां पर सालों भर वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती है, और उस वर्षा का कारण है वेस्टर्लीज, पछुआ पवन। ये सालों भर एक परमानेंट विंड के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं, बने होते हैं, और इसीलिए सालों भर यहां पर वर्षा हो रही है। अब देखिए ये वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज है, और यूरोप में आप देखें तो 45 डिग्री से लेकर और मैक्सिमम 65 डिग्री अक्षांश तक, मैक्सिमम 65 डिग्री अक्षांश तक आपको क्लाइमेट वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगी, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट। अब देखिए क्या फीचर्स, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु क्षेत्र संसार में सालों भर वर्षा के प्रदेश है, सबसे पहली विशेषता। सालों भर यहां पर मॉडरेट टाइप ऑफ रेन है, हल्की वर्षा हो रही है, पछुआ पवनों के कारण वर्षा हो रही है। विंटर में यहां पर स्नोफॉल आपको देखने को मिलेंगे, मॉडरेट टाइप ऑफ स्नोफॉल देखने को मिलेंगे, कभी कभी हैवी स्नोफॉल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह प्रदेश मानव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रदेश माना जाता है, मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक जोन ऑफ वर्ल्ड, रीजन ऑफ वर्ल्ड, एरिया ऑफ वर्ल्ड, संसार में मानव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु का प्रदेश मानते हैं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश। अक्षांशीय दशा कितनी है? 45 से अधिकतम 65 डिग्री अक्षांश होता है। कौन कौन से देश है यूरोप में? यूनाइटेड किंगडम है यहां पर, उत्तरी फ्रांस का इलाका है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, पोलैंड है, डेनमार्क है, और इसी प्रकार से इन अक्षांशों के बीच के जो क्षेत्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रदेशों में जहां पर सालों भर वर्षा हो रही है, पछुआ पवने वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी जा रही है, गौर कीजिए, पछुआ पवने वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी जा रही है, वहां की वेजिटेशन कैसी हो? एवर ग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन, सदाबहार प्रकार के वनस्पतियां यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है,
तो यूरोप के अगर दक्षिणी भाग को हम देखते हैं, दक्षिणी भाग को अगर हम देखें, गौर कीजिए, यूरोप में अगर दक्षिणी भाग को देखें तो यहाँ की क्लाइमेट हमें मेडिटेरेनियन दिखाई देती है। इससे नॉर्थ अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट हमें दिखाई देती है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ओके, कौन कौन सी क्लाइमेट? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है यहाँ पर, इसके बाद कौन सी? वेस्टर्न यूरो क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, यूरोप दक्षिण से चले आप, पहले भूमध्य सागर, इसके बाद पश्चिमी यूरोपीय यूरो क्लाइमेट आपको देखने को मिले। अब इससे नॉर्थ अगर आप बढ़ेंगे तो यूरोप में आप यहां पर देख सकते हैं टैगा क्लाइमेट, टैगा जलवायु। संसार में टैगा जलवायु का जो क्षेत्र है वो सामान्यतः 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है, 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। और इस जलवायु क्षेत्र को अगर आप देखें, विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन 50 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स, एग्जिस्ट ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। पहले भी प्रीलिम्स में कई जगह प्रश्न बने हैं, पूछा गया था कि संसार का कौन सा जलवायु क्षेत्र, जलवायु प्रदेश केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में सीमित है। तो ये टैगा जलवायु प्रदेश ये केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में सीमित है। इस जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता है? लैंड मास आर कंप्लीटली आइस कवर्ड ड्यूरिंग विंटर, यहां पर शीतकाल में जो धरातल है वो पूरी तरह से हिमाच्छादित आपको दिखाई देगा, स्नोफॉल होते हैं। फ्रिजिड जोन का ये एरिया है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र ये माना जाता है। जाड़े में तो धरातल बर्फ से ढक जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों का आगमन होता है, समर प्रारंभ होते हैं, वैसे ही हिम पिघलने लगते हैं और धरातल हिम मुक्त हो जाते हैं। संसार का ये प्रदेश टैगा प्रदेश एक विशेष प्रकार के वनों का प्रदेश माना जाता है और उसे कोनीफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। किस प्रकार के वन है? तो शंकुधारी वन है, इस प्रकार से शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। वृक्ष कैसे हैं? शंकवाकार है। पत्तियां कैसी है इनकी? नुकीली है। पत्तियों पर मोम का आवरण पाया जाता है। मुलायम लकड़ियों के वृक्ष है टैगा प्रदेश के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष। कौन कौन से वृक्ष महत्वपूर्ण रूप से? तो टैगा प्रदेश में चिड़ के वृक्ष दिखाई देते, यहां पर फर दिखाई देता, यहां पर स्प्रूस के वृक्ष आपको दिखाई देंगे, यहां पर लार्च के वृक्ष आपको दिखते हैं, यहां पर सीडार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे और हेमलॉक के वृक्ष यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो विविध प्रकार के वृक्षों का ये वन क्षेत्र टैगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैगा ध्यान रखना है आपको। इज ए क्लाइमेटिक जोन ऑफ फ्रिजिड क्लाइमेट, शीत कटिबंधीय जलवायु का ये जलवायु क्षेत्र है। एग्जिस्ट बिटवीन 50 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स, 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाया जाता है। यूरोप में कई देशों के भूक्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। आप देखिए, यहां देखिए, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड आपको दिखाई दे रहा, कुछ बाल्टिक देश आपको दिखाई दे रहे, ये रूस का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा। तो कई देशों का भूक्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इस टैगा प्रदेश में फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। किस प्रकार के फॉरेस्ट है? तो कोनीफेरस टाइप के हैं, कोनीफेरस है, शंकुधारी वन का यह प्रदेश है, कोणधारी वन का यह प्रदेश है टैगा। वन के क्या फीचर्स है? यहां के वृक्ष कैसे हैं? शंकवाकार है। पत्तियां कैसी हैं? नुकीली हैं। पत्तियों पर मोम का आवरण चढ़ा हुआ है। और कौन कौन से वृक्ष महत्वपूर्ण रूप से? तो चिल है, फर है, स्प्रूस है, लार्च है, सिडार है, हेमलॉक है और इसी प्रकार के तमाम वृक्ष जो मुलायम लकड़ियों के वृक्ष हैं जिनकी व्यवसायिक कटाई अधिक हुई।
तो यूरोप में दक्षिणी भाग भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र, उस दक्षिणी भाग से नॉर्थवार्ड वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट जो कि सबसे उपयुक्त क्लाइमेट मानव के लिए माना जाता है, मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम के लिए इसे सबसे उपयुक्त क्लाइमेट के रूप में हम मानते हैं। इससे नॉर्थ अगर हम देखते हैं तो ये टैगा रीजन हमें दिखाई दे, और देखा था कि शीत कटिबंधीय जलवायु का ये प्रदेश है टैगा, और इसी प्रदेश में शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, यूरोप को अगर आप देखें तो यूरोप में जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट आपको दिखाई देगा, उत्तरवर्ती क्षेत्र आपको यूरोप का दिखाई देगा, वहां की क्लाइमेट आपको दिखेगी टुंड्रा, टुंड्रा प्रकार की क्लाइमेट। क्या विशेषता है टुंड्रा जलवायु की, कहां पर यूरोप में ये पाए जा रहे हैं? यूरोप का जो उत्तरवर्ती भाग है, आप देखिए ये नॉर्वे दिख रहा है, स्वीडन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर फिनलैंड देख रहे हैं, तो नॉर्वे का उत्तरवर्ती क्षेत्र, स्वीडन का उत्तरवर्ती क्षेत्र, फिनलैंड का उत्तरवर्ती क्षेत्र, यहां पर फिर रूस के उत्तरवर्ती क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे, ये सारे क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं टुंड्रा प्रदेश के क्षेत्र। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहां रूस का उत्तरवर्ती भाग। क्या फीचर्स है इस क्लाइमेट की? लैंड मास आर आइस कवर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ की जो धरातल है लगभग सालों भर हिमाच्छादित, बर्फ से ढकी हुई, ओके? सालों भर हिमाच्छादित धरातल का ये क्षेत्र यूरोप का उत्तरवर्ती क्षेत्र। गर्मियों में थोड़े बहुत जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ने के कारण यहां पर आइस मेल्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। तापमान बहुत कम है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे देखने को मिल रहा है इन क्षेत्रों में, धरातल पूरी तरह से हिमाच्छादित है, इसलिए यहां पर वृक्षों के नामो निशान नहीं दिखते। यहां पर मॉस और लिचेन आपको दिखाई देंगे, काई और लाइकेन जिसे आप कहते हैं वो आपको दिखाई देंगे यहां पर, लेकिन वृक्षों का नामो निशान नहीं दिखेगा इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे आप देखेंगे नॉर्वे और स्वीडन में लैप्स जनजाति है, फिनलैंड में आप देखेंगे तो फीन जनजाति पाई जाती है, और रूस के उत्तरवर्ती साइबेरियन रीजन्स में कुछ जनजातियां हैं जैसे समोयाड वगैरह आपको देखने को मिली। तो यूरोप में हमने देखा यहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, फिर हम जब नॉर्थ बढ़ने लगे तो देखा वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट, फिर हमने देखा टैगा क्लाइमेट, और फिर हमने देखा टुंड्रा क्लाइमेट। तो ये विविध प्रकार के जलवायु क्षेत्र, आप गौर करें यूरोप में यहां देखिए, ये आपको काला सागर दिखाई दे रहा है, यहाँ ये कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा है, और इन दोनों के बीच में आप देखते हैं काकेसस माउंटेन, पहले भी हमने आपको बताया था। यूरोप में अगर आप देखें या विश्व में भी अगर आप देखें तो जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एरिया है 30 से 45 के बीच का जो वेस्टर्न पार्ट है, जब उससे आप ईस्ट होने लगेंगे तो जो सेंट्रल पार्ट आपको देखने को मिलेगा इन अक्षांशीय क्षेत्रों में, दैट इज एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रास लैंड, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्र का है, टेम्परेट ग्रासलैंड का। और यूरोप में भी टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। कहां पर है, क्या नाम है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूरोप में स्टेपी ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड है, स्टेपी घास भूमि है, इस ग्रासलैंड को देखेंगे तो ये टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, शीतोष्ण प्रकार की घास भूमि। इस ग्रासलैंड को अगर आप देखते हैं तो यहां पर छोटी घासें पाई जाती हैं, मुलायम घासें पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार की है जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी के विषय में देखा था, प्रेयरी घास के मैदान थे, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में हमने पंपास को पढ़ा था जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में अवस्थित है,
ठीक है। तो प्रेरी और पंपास के समान ये स्टेपी घास भूमि है जो यूक्रेन और रूस में पाई जाती है, यूक्रेन और रूस में पाई जाती है, ठीक है। इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ यूरोप, यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, छोटी और मुलायम घासें पाई जाती। तो कई बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने देखा कि यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर शीतकालीन वर्षा हो रही है, पछुआ पवनों से शीतकालीन वर्षा हो रही है। जब हम पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के विषय में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये सालों भर वर्षा का प्रदेश है, हल्की वर्षा का प्रदेश है, और वर्षा का कारण भी यहाँ पर वेस्टर्डीज माना जाता है, पछुआ पवन माना जाता है, क्योंकि सालों भर इस क्षेत्र में पछुआ पवन के प्रभाव होते हैं। फिर हम लोगों ने टैगा क्लाइमेट को पढ़ा जो नॉर्वे में है, स्वीडन में है, फिनलैंड में है, रूस में देखने को मिल रहा है, इन देशों के दक्षिणवर्ती इलाके में देखने को मिल रहा है। टैगा के विषय में हमने देखा कि यह शीत कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, और इस क्षेत्र में हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का वन क्षेत्र है जिसे शंकुधारी वन के रूप में जानते हैं, कोणधारी वन के रूप में जानते हैं। इस वन के विषय में हमने देखा कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष है वो शंकवाकार है, उनकी पत्तियां नुकीली हमें दिखाई दे रही, पत्तियों पर मोम का आवरण पाया जा रहा है, और मुलायम लकड़ियों के वृक्षों का यह प्रदेश है, कोणधारी वन के रूप में जाना जाता है, कोनिफेरस फॉरेस्ट के रूप में हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। कई वृक्ष हमने आपको बताए इस क्षेत्र में, चीड़ है, फर है, स्प्रूस है, लार्च है, सीडार है, हेमलॉक है, ये हम लोगों ने देखा था। याद कीजिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि ऑलिव जैतून का वृक्ष वहां पाया जाता है जो वहां का सिंबॉलिक ट्री माना जाता है, प्रतीकात्मक वृक्ष माना जाता है। तो टैगा क्लाइमेट शंकुधारी वनों का प्रदेश है, ये हम लोगों ने देखा। इस टैगा क्लाइमेट के नॉर्थ में हमने देखा कि यूरोप में, नॉर्थ यूरोप का उत्तरवर्ती क्षेत्र, ये टुंड्रा जलवायु का क्षेत्र, टुंड्रा प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जा रही है, और देखा कि क्या है तो सालों भर धरातल हिम से आच्छादित है, तापमान बहुत कम है, और इसीलिए यहाँ के धरातल पर ऊंचे ऊंचे वृक्षों का अस्तित्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है, शीतोष्ण घास भूमि पाई जाती है, ये हम लोगों ने देखा यहाँ, ओके। तो यूरोप में कई प्रकार के की जलवायु का प्रभाव हमें देखने को मिला है, क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं, और वहां की अपनी जलवायु संबंधी विशिष्टता तो है ही, साथ ही साथ वहां पर प्राकृतिक वनस्पतियों की भी विशिष्टता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लिसन, तो कई प्रकार के जलवायु क्षेत्र यूरोप में, ध्यान दीजिए, यूरोप में कई चीजों को हम लोग अब तक कवर कर चुके। हमने यूरोप में पर्वतों को देखा, हमने यूरोप में नदियों को देखा, हमने यूरोप में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियों को देखा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर यूरोप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।